हे फूडीज़, वेलकम टू मीनू के। आज मैं आपके साथ अंडा आलू करी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए मेरे पास 4 से 5 उबले हुए अंडे हैं, आलू, ये 2 बड़े साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने रफली काट के इस तरीके से इस साइज़ में काटा है। और अब इनकी स्किन भी मैंने नहीं हटाई है क्योंकि इसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। साथ में मेरे पास है ऑयल अपने एग्स को फ्राई करने के लिए और रेसिपी को तैयार करने के लिए। कसूरी मेथी ये लगभग 1 चम्मच है, जीरा 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1.5 चम्मच, सूखी लाल मिर्च 1 बड़ी इलायची और दालचीनी, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, जूलियंस अदरक के और मिर्ची और बारीक कटा हुआ प्याज। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम। अगर आपको क्रीम ऐड नहीं करनी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। गैस में हमने हमारी कढ़ाई चढ़ा दी है और अब वो हल्की सी गर्म हो गई है तो हम उसमें तेल ऐड करेंगे। आपको तेल ज़्यादा लग रहा होगा पर ये हमें अपने एग्स को फ्राई करने के लिए है तो इसलिए हम थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रखा है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें एग्स को फ्राई कर लेंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक उनको हम फ्राई करेंगे। एग्स हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, गैस मैंने ऑफ कर दी है। अब इनको हम निकाल कर इसी ऑयल में हम आलू भी हल्का सा फ्राई कर देंगे। आलू या पोटैटोज़ भी हमारे हल्के से कुरकुरे हो गए हैं तो हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इनको निकाल के ऑयल की क्वांटिटी को थोड़ा कम करके फिर बाकी का हमारा प्रोसेस शुरू करेंगे। अब हमारा तेल हल्का हल्का गर्म हो गया है तो इसमें हम ऐड करेंगे जीरा और हमारे सूखे मसाले। हल्का सा इनको क्रैकल होने तक हम कुक करेंगे। और अब इसमें जाएंगे हमारे कटे हुए प्याज। आप चाहें तो प्याज और टमाटर की प्यूरी भी बनाकर ऐड कर सकते हैं, वो काफ़ी कन्वीनियंट होती है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगता उसको कुक करने में। बट फ्लेवर या टेस्ट जो इस तरीके से बनाने में आता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। प्याज का रंग काफ़ी बदल गया है तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जूलियंस अदरक के और हरी मिर्च। चाहे तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं हो तो आप मिर्ची या लाल मिर्च को स्किप ऑफ कर सकते हैं। हल्का सा इनको हम चला देंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सेफ होकर काम करिएगा क्योंकि मिर्ची जब पकती है तो हल्का सा चटक की आवाज़ आती है। अब जाएगा हमारा टमाटर। टमाटर को हम अच्छे से ब्लांच कर देंगे तो इसको हम ढककर पकाएंगे लगभग 1 मिनट के लिए। तो अब चेक करते हैं कि हमारा टमाटर और प्याज अच्छे से पक गया है। तो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल गल गए हैं और प्याज भी अच्छे से पक गई है। तो अब इसमें हम हमारे बाकी के सूखे मसाले ऐड करते हैं। तो पहले जाएगा कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी हरी मिर्च काफ़ी ऐड करी है, और नमक स्वाद अनुसार। मिक्स कर देंगे इसको हम अच्छे से, क्योंकि हमारे सूखे मसाले थोड़ा सा थिक हो जाते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम फिर से ढककर कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है
और अब हम ढक्कन को लगाकर इसको पकने के लिए रखेंगे 2 मिनट के लिए। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं हमारी ग्रेवी के साथ में। मैंने इसमें आलू और एग्स, बॉइल्ड एग्स ऐड कर दिए हैं। हल्के हाथ से हमें इनको मूव करना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनको हमें इधर से उधर नहीं करना, नहीं तो हमारी जो रेसिपी है या हमारी जो डिश है वो ख़राब हो जाएगी। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम। जैसे मैंने कहा ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर ऐड करिए, इससे एक रिचनेस आ जाती है हमारी रेसिपी में और हमारी डिश में। तो बस इसको मैं हल्का सा चला दूँगी और अब थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, जितना हमारा रिक्वायर्ड है ग्रेवी में हम उतना ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। बस इतनी ही हमें ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा ग्रेवी हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम सर्व करेंगे पराठों के साथ में। और अब लिड लगाकर हम इसको पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये लीजिए फूडीज़, हमारी गर्मा गर्म बहुत ही डिलीशियस अंडा आलू करी तैयार है। देखने में तो बहुत ही माउथ वाटरिंग लग रही है एंड आई एम श्योर ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। इसको आप गर्मा गर्म फुल्का, रोटी, परांठा या चावल के साथ में सर्व करिए तो आपके बहुत ज़्यादा फैंस हो जाएंगे कि इतना टेस्टी अंडा आलू करी आपने कैसे बनाया। मजाक है नहीं, बट ये सीरियसली बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है जैसी मुझे रिक्वायर्ड है। तो अगर फूडीज़ आपको ये रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक करें, बिग थम्स अप कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मीनू के को सपोर्ट कीजिए। आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।